दोस्तों आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आपके बच्चे में डिफेक्ट क्यों पैदा होता है, क्यों आपके बच्चे का पैर टेढ़ा हो जाता है या तो बीच में गैप हो जाता है, ये किन कारणों से होता है, आपकी किन गलतियों के कारण आपके बच्चे में डिफेक्ट पैदा होती है। दोस्तों सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जब आप गर्भवती होते हैं तो अपने बच्चे का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपकी कुछ गलतियों के कारण आपके बच्चे में डिफेक्ट पैदा हो जाता है। पहला, आपका गलत मेडिसिन का लेना। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी पार्ट में दर्द होता है, तब आपको खुद से ही प्रेगनेंसी के समय आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। मेडिसिन के लेने से आपके में भले ही कोई इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन आपके पेट में पल रहे आपके बच्चे को इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि आपके बच्चे में डिफेक्ट पैदा हो सकता है। कुछ भी मेडिसिन के लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई भी मेडिसिन लेना चाहिए। इसी में ज़्यादा मेडिसिन का लेना भी आपके लिए खतरा होता है, और अगर आप गलत मेडिसिन लेते हैं उससे आपके बच्चे को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। को ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के समय आपको कोई भी गलत मेडिसिन नहीं लेना है। सेकेंड है, आपको अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। डॉक्टर अगर आपका सही होता है तो आपकी सारी फीलिंग, आपकी सारी बातों को सुनता है। अगर आप गलत डॉक्टर का चुनाव करते हैं, जैसे कि वो आपकी पूरी बातों को नहीं सुनता है, आपकी फीलिंग को नहीं समझता है, इसलिए आपको और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आप अपनी बातों को खुलकर नहीं बता पाते हैं। भी आप अपनी प्रेगनेंसी में डॉक्टर का सलाह लेते हैं, तब आपका डॉक्टर अच्छा होना चाहिए और अच्छे से पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसे ही डॉक्टर को अपने सलाह लेने के लिए चुने, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन ना आए। तीसरा है, आपका खाना खाने से। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो कि अपनी जीभ के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार खाना खाती है। ऐसे में आपके बच्चे में डिफेक्ट पैदा हो जाती है। ऐसा आपको नहीं करना है। पौष्टिक खाना खाना है जिसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम अच्छे से प्राप्त हो, जिससे कि आपके बच्चे का गर्भ में विकास होता है और आपको भी डिलीवरी के समय कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। छाछ पीना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, जो कि आपकी प्रेगनेंसी में आपके बच्चे के विकास के लिए भी फायदा करता है, साथ ही आपके भी बॉडी को अच्छे से बनाए रखता है। अगर आप ज़्यादा बाहर की चीज़ों का सेवन करते हैं जो कि जंक फूड होता है, उससे आपके बच्चे में डिफेक्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। आपको प्रेगनेंसी में बाहर का खाना अवॉइड करना है। जो भी कुछ खाना है आपको घर में बना के खाना है, जिससे कि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इसके बाद है, आपको चाय पीने की आदत है या तो कॉफ़ी पीने की आदत है, तब इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आपसे नहीं छूट रहा है, तब आपको एक कप चाय या तो दिन में एक कप कॉफ़ी ही पीना चाहिए, जो कि आपको ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। जब भी आप चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, आपको कॉफ़ी की कम मात्रा लेना है और चाय का भी कम मात्रा लेना है। उसमें अदरक कम डालना है, चाय पत्ती कम डालकर आपको सेवन करना है, जो कि आपके बच्चे में और आप में कोई भी डिफेक्ट नहीं डालती है। साथ ही आप कोई भी तरीका के स्मोक करते हैं या तो स्मोक करने वाले के बीच में रहते हैं, तब आपको उस जगह से थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए। स्मोक करने वाले से थोड़ा दूर रहेंगे तो उसका जो बैड एयर है, बैड इफ़ेक्ट है, वो आपके बच्चे तक नहीं पहुंचता है। जब आप सांस लेते हैं तब सिगरेट का धुआं हो सकता है या तो ड्रिंक का जो स्मेल हो सकता है, वो आपके सांस के द्वारा आपके बच्चे तक नहीं पहुंचता है। इन सारी बातों का ध्यान आपको अपनी प्रेगनेंसी में रखना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे में डिफेक्ट आने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के वीडियो रोज़ रोज़ देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।